इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंड्यूस कैटालिसिस प्रोसेस क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आइए समझते हैं। व्हेन वन रिएक्शन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अदर रिएक्शन दिस प्रोसेस इज नोन एज इंड्यूस कैटालिसिस प्रोसेस। जब कोई एक केमिकल रिएक्शन दूसरी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करती है तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंड्यूस कैटालिसिस प्रोसेस। एक बार रिपीट करूंगा, जब कोई एक केमिकल रिएक्शन दूसरी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या तो इंक्रीज कर दे या फिर केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर दे इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंड्यूस कैटालिसिस प्रोसेस। और इन रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है इसी को हम कहते हैं इंड्यूस कैटलिस्ट। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सोडियम आर्सेनाइड है और सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता और ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन जब सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम सल्फाइड के साथ में मिक्स करने के बाद में रिएक्शन कराई जाती है ऑक्सीजन के साथ में तब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। और जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इसके साथ साथ में ये रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। सोडियम सल्फाइड से हमको मिलता है सोडियम सल्फेट ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में और जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इसके साथ में ये वाली रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाली रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए इंड्यूस कैटलिस्ट के रूप में यूज में होती है। दैट मीन्स ये वाली रिएक्शन डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होती है। अगर इस वाली इक्वेशन को हम रिएक्शन को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में तब ये स्टार्ट ही नहीं होती। लेकिन जब इन दोनों का मिक्सचर यानी कि सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम आर्सेनाइड का मिक्सचर हम करते हैं और ये रिएक्शन होती है ओ टू के साथ में यहाँ पर ये रिएक्शन होती है और क्या बनता है यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट बनता है। तो ऑलवेज रिमेंबर इस रिएक्शन के साथ साथ में ये वाली रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। इसी टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं इंड्यूस कैटालिसिस प्रोसेस और यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है उसको हम कहते हैं इंड्यूस कैटलिस्ट। तो कभी कभी ऐसा होता है कोई रिएक्शन सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसी दूसरे मटेरियल के साथ में हम मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से जैसा कि ये रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म हुई तो इस रिएक्शन के परफॉर्म होने के बाद में ये रिएक्शन यूज करती है इंड्यूस कैटलिस्ट के रूप में और ये वाली रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंड्यूस कैटालिसिस प्रोसेस और यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है उसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। थैंक यू।